जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस बॉक्स को देखने के बाद, क्योंकि ये बॉक्स है इस गाड़ी के एक ऐसे पार्ट का जिसकी मुझे बहुत टाइम से ज़रूरत थी। और इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है ये आपको पता लगेगा बॉक्स खुलने के बाद। वेल, आपको बता दूँ, ये बॉक्स मैंने ऑर्डर किया है बाइकस्टर ग्लोबल से, और सीरियसली यार डिलीवरी स्पीड इतनी फास्ट है कि ये चौथे दिन आज मेरे पास आ चुका है। ये मैंने आज से 4 दिन पहले ऑर्डर किया था, वो भी शाम को, और ये सोचो ऑलमोस्ट 3.5 दिन में मेरे पास आ गया, वो भी लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। तो यार इसको खोलने की काफ़ी अच्छी एक्साइटमेंट है फिलहाल में। मैं जल्दी से ये बॉक्स खोल ही देता हूँ। वैसे आपको बता दूँ कि इसका ये जो कोना है ना, ये ऐसे ही आया है, ये मैंने नहीं फाड़ा। शायद इस फोटो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि इस बॉक्स के अंदर जो निकला है वो है हमारी बाइक की सैडल स्टे। सैडल स्टे जो कि वाइट्रा कंपनी की है, इसको वाइट्रा ही बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो। और आपको क्या लगता है, क्या प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसका, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी ये है सैडल स्टे के कुछ बोल्ट और लगने वाले स्क्रूज वगैरह, और ये है सैडल स्टे। अब ये कौन सी किस साइड की ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि पूरी तरह से रैप पड़ी है अभी, और इनकी रैपिंग खोलने के बाद पता लगेगा। और ये है आर्म्स जो कि यहाँ पर फिट होंगी ऐसे करके, कुछ ऐसे फिट होने वाली हैं ये। और इसमें शायद जो बीच में लगती है ना वो वाली रॉड है। तो ये सारे अभी अनरैप करता हूँ जल्दी से, और इसको इंस्टॉल करता हूँ अपनी बाइक पे। वैसे यार अनरैप करने से पहले आपको बता दूँ कि इसकी पैकिंग जो है ना सीरियसली काफ़ी सॉलिड है। मतलब कह सकते हो कि देखो, सबसे पहले ये वाली जो इस फॉर्म लगा हुआ है और उसके अंदर भी जो पार्ट है ना उस पर भी पॉलीथिन लगी हुई है, मतलब रैप लगी हुई है भाई साहब। मतलब सीरियसली एक नेक्स्ट लेवल की पैकिंग है, कि चाहे ये कितनी भी ऊंचाई से ही भले ही गिर जाए, इस पर एक भी स्क्रैच वगैरह डेंट वगैरह आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। इतनी सॉलिड पैकिंग करी है यार, पैकिंग तो सीरियसली काफ़ी सॉलिड कर दी है जिसने भी की है। तो भाई साहब इसको खोलने में ही काफ़ी देर लगने वाली है, पर मेरे पास भी इसका सॉल्यूशन है। ये सबको काट देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। अभी इसको जल्दी से जल्दी काट पीट के जल्दी से निकालते हैं इसको सारे को, और एक्चुअल जो पार्ट्स हैं उनको बाहर निकाल के तब इसको असेंबल करके अपनी बाइक पे इंस्टॉल करते हैं थोड़ी देर के अंदर। दोस्तों ये ओवरऑल सामान निकला है इस पैकेट के अंदर, और इसको खोलने में मुझे लगभग 10 से 15 मिनट लग गए। चाकू का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि इन पे स्क्रैच पड़ जाते, तो इस वजह से थोड़ा हाथों से ही खोलना पड़ा पूरी रैप वगैरह इनकी। और ये ओवरऑल सामान निकला है, एक ये है इतनी बड़ी, ये बीच में लगने वाली है, और ये साइडों के हैं, ये साइडों की एक्चुअल में स्टेज है, और ये बोल्ट हैं कुछ। तो अभी इन सब चीज़ों को खोलने के बाद अभी अपनी बाइक के टूल्स लाता हूँ, तो जल्दी से इसका इंस्टॉलेशन चालू करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं आज अपनी बाइक पे, KTM 390 एडवेंचर पे। और फिर उसके बाद अभी इसका एक और सरप्राइज़ आने वाला है, जो किससे अगली वीडियो में आपको पता लगेगा, क्योंकि वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, क्योंकि सैडल स्टे आ गई तो इस पे लगने वाले बैग भी आ रहे होंगे, लेकिन बैग किस ब्रांड के हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने के मुझे पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा अगली वीडियो में, जो इससे आगे जो वीडियो आएगी उसमें। अभी के लिए इनकी प्राइस बता देता हूँ कि ये मुझे पड़ी है लगभग 5000 रुपये की, 1 रुपया कम है, वो नॉर्मल सी बात है, हर कंपनी 1 ही रुपया कम लगाती है, उससे ज़्यादा नहीं लगाती। 4999 रुपये की बाइकस्टर ग्लोबल से मैंने ऑर्डर की है। हालाँकि जो वाइट्रा की ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैंने बाइकस्टर ग्लोबल से ऑर्डर कर दी। वहाँ पे मुझे वो लोग 500 रुपये का एक कूपन भी ऑफर कर रहे थे, पर जब तक मैं चेकआउट करने पहुँचा वेबसाइट को तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसकी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी, क्योंकि मैं एक लंबे टूर पे जाने वाला हूँ रिसेंटली जल्दी में ही, इस वजह से मैंने ये बाइकस्टर ग्लोबल से ऑर्डर कर दी, और फिलहाल में ये मेरे सामने आ चुकी है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है इस 5mm की एलन की, और ये देखिए ये 5mm की एलन की है। और इससे सबसे पहले हम ये दो जो बोल्ट हैं ये वाले, इनको खोलेंगे सबसे पहले। देखिए दोस्तों, काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद दो बोल्ट मैंने बाहर निकाले हैं, और ये वाला तो आराम से निकल आया, लेकिन ये वाला है ना, इसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब करनी पड़ी तब जाके ये निकला है। ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन कैसी है। तो ये बोल्ट ना काफ़ी टाइट लगे हुए थे, इतने टाइट लगे हुए थे इसमें कि ये देखो यहाँ पे लगे हुए थे दोनों, इनको निकालने में ना एक बोल्ट की तो हालत ही ख़राब हो गई। इसमें एक्चुअली लॉक टाइट लगा हुआ था, तो इस वजह से ये खुले नहीं ईजीली, काफ़ी गंदे तरीके से खुला, ये ख़राब हो गया। तो आप भी अगर आपसे नहीं खुल पा रहा है तो आप मैकेनिक के पास ले जाएँ, वहाँ पर ईजीली इसको खुलवा सकते हैं। और एक बोल्ट मैंने उधर साइड वाला निकाल लिया है,
जो फुटरेस्ट का है ये वाला, यहाँ पे जो लगता है इसमें, ये निकाल लिया है। और दूसरा भी मैं निकाल रहा हूँ, ये एलन की लगी हुई है इसमें, और इनमें भी लॉक टाइट लगा हुआ है। ये जो गुलाबी सा आप देख रहे हैं ना इस पर, ये लॉक टाइट है, तो इससे जो बोल्ट हैं वो टाइट हो जाते हैं और खुलते नहीं है वाइब्रेशन पे, तो इसलिए होता है। दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बोल्ट है ये इतना लंबा है, और ये जो एक टाइप पे कह सकते हो कि ये जो थोड़ा लंबा सॉकेट सा है, इसमें जब ये रहेगा तो इसमें पानी वगैरह जाने से यहाँ पे जंग लग सकती है। तो उसके लिए बेस्ट उपाय है कि आप इस पर थोड़ा सा चैन ल्यूब डाल दें। चैन ल्यूब मैं इस पर जब डाल दूंगा तो इस पर रस्ट नहीं आएगी, और रस्ट नहीं आएगी तो ये बोल्ट कभी भी इस वाले सॉकेट में एटलीस्ट जाम नहीं हो पाएगा। तो ये आप लोगों की सजेशन है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई लंबा बोल्ट जो कि एक्स्ट्रा ओपन एरिया में है, मतलब इसका जो एरिया है ओपन ज़्यादा है, तो दोस्तों लगभग फाइनली 20 मिनट की मेहनत के बाद ये सैडल स्टे रख के रेडी है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों साइड का कॉमन है, बस इतना अंतर है कि ये वाला इधर की ओर फेस करके लगा हुआ है, वो वाला उधर की ओर फेस करके लगा हुआ है। ये दोनों में कॉमन ही है, ऐसा नहीं है कि कोई सा किसी भी साइड का है। और आपको टूल्स के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 6 mm की एलन की यूज़ की इस बोल्ट को कसने के लिए, और बाकी इनके लिए 5 mm की एलन की यूज़ की है। और ये जो पीछे वाले नट हैं इनको पकड़ने के लिए 13 mm के इस पॉकेट का यूज़ किया गया है यहाँ पे। और ये जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से रेडी है, और आप इधर से भी देख लो, और ये सीरियसली काफ़ी सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो हल्की है, काफ़ी सॉलिड है। ये देखिए मैं अगर इसको हिला रहा हूँ तो पूरी बाइक ही हिल रही है, ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी हिल रही है कहीं से, काफ़ी सॉलिड है। और इनके बैग भी आज डिलीवर हो चुके हैं, थोड़ी देर बाद ही ये डिलीवर हो गए थे, पर उनकी वीडियो नेक्स्ट में पता लगेगा, इस पर बैग लगा के दिखाऊंगा। बाकी यार प्राइसिंग वगैरह की डिटेल मैंने दे दिया, टूल्स के बारे में बता दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियोज़ के लिए। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या सजेशन है जिसका आप लाइव चैट के माध्यम से मुझे बताना चाहते हो, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे आके चैट कर सकते हो। तीनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।